नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। दुनिया में कई तरह के फेस्टिवल होते हैं जो अपने आप में खास होते हैं। इनकी खासियत ही इन्हें एक दूसरे से हटकर बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे फेस्टिवल के बारे में सुना है जिसमें लोग पूरे शहर को ही जलाकर राख कर देते हैं? हैरानी की बात तो ये है कि ऐसा करने पर लोगों को बधाई दी जाती है और उनकी तारीफ भी की जाती है। ये पूरा फेस्टिवल रेगिस्तान में आयोजित किया जाता है, जहां सब कुछ जलने के बाद रेत पर राख का सिर्फ काला रंग ही पसरा होता है। ये अनोखा फेस्टिवल अमेरिका के नेवादा प्रांत में स्थित ब्लैक रॉक डेजर्ट में आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल का नाम है बर्निंग मैन फेस्टिवल, जिसमें हर साल हजारों लोग पहुंचते हैं। इस बार इसमें करीब 70,000 लोगों ने शिरकत ली। यहां आने वाले लोग अपने हिसाब से पहले शहर बनाते हैं और फिर फेस्टिवल के अंत में वो खुद अपने हाथों से ही सब कुछ जला देते हैं। 31 साल पहले शुरू किए गए इस फेस्टिवल में पहली बार 80 लोग आए थे, लेकिन बाद में ये इतना पॉपुलर हुआ कि हर साल इनकी संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पर लोग आते हैं और खुद का शहर बसाते हैं। वो कई कलात्मक वाहन और दूसरी कला से जुड़ी चीजें बनाते हैं। इस दौरान नाचना गाना भी किया जाता है और कला की प्रदर्शनी भी होती है। फेस्टिवल के आखिरी दिन में ये लोग खुद ही अपनी बनाई हुई कला को जला देते हैं। ऐसा वो यहाँ की फिलॉसफी के कारण करते हैं, जिसमें माना जाता है कि खुद ही अपनी रचना को जला कर राख करने से अपना अहम भी वो जला कर राख कर देते हैं। यहाँ लोगों को अपने तरीके से जीने की आज़ादी दी जाती है, उन पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जाती, ताकि वो सही मायने में आज़ादी का मतलब समझ सके। इस फेस्टिवल का सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है जो कम हैरान करने वाला नहीं है। यहाँ पर ऐसी किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर सकते जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए। इस नियम के कारण ही यहाँ पर प्लास्टिक के सामान से लेकर फ्यूल वाले वाहन तक बैन है। यहाँ पर आप सिर्फ साइकिल या पैदल ही घूम सकते हैं।